हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल सीजी टूरिज्म पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा तुर्री धाम, जो कि जांजगीर चांपा जिले का एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यह जगह घूमेंगे और साथ ही इससे जुड़ी कुछ बातें जानेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो दोस्तों, यह जो तुर्री धाम है, यह जांजगीर चांपा जिले का एक अनोखा मंदिर है जिसे आज हम एक्सप्लोर करेंगे। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह बिलासपुर से 86 किलोमीटर, कोरबा से 51 और जांजगीर चांपा से 36 किलोमीटर दूर सक्ती तहसील में आता है। इस जगह को तुर्री धाम कहते हैं। यहाँ का जो शिव मंदिर है दोस्तों, वो काफ़ी अनोखा है जिसे हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। यह जो जगह है दोस्तों, यहाँ महाशिवरात्रि में मेले का आयोजन होता है और सावन में भी यहाँ काफ़ी लंबे मेले का आयोजन होता है। यह जो मंदिर है दोस्तों, यह काफ़ी अद्भुत है, इससे जुड़ी हुई काफ़ी सारी कहानियाँ प्रसिद्ध है। यहाँ यह छोटे कलवाल नाले के आगे में स्थित है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ महाशिवरात्रि एवं सावन के मौके पर काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों, और यहाँ दूर दूर से लोग शिव जी के अद्भुत रूप का दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ से जुड़ी हुई खास बात यह है दोस्तों कि यहाँ जो शिवलिंग है, वहाँ स्वयं ही जल आता है और वहाँ जल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। यह यहाँ की खास बात है। अभी दोस्तों मैं आ गया हूँ मंदिर के अंदर, और अभी मैं आपको मंदिर के अंदर लेकर चलूँगा और दिखाऊँगा यहाँ का अद्भुत शिवलिंग। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, नीचे स्थित है शिवलिंग यहाँ सामान्य स्थल लेवल से, और यहाँ लगातार पानी आते रहता है। यहाँ दोस्तों पानी कहाँ से आता है इसके बारे में तो अभी कोई पता नहीं चला है, लेकिन इस पर अभी भी शोध कार्य चल रहा है। हालांकि इससे जुड़ी हुई एक बात यह है कि यह जो पानी है, यह बरसात के दिनों में कम हो जाता है और गर्मी के दिनों में इसका जो प्रवाह है वह बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ के जो सामान्य लोकल लोग हैं, उनका यह भी मानना है कि यह जो पानी है काफ़ी पवित्र है और गंगा जल के समान है। इसे आप काफ़ी समय तक रखेंगे तब भी यह पानी खराब नहीं होता है। यहाँ पर जल नहीं चढ़ाया जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक रूप से शिवलिंग पर जल आ जाता है। यहाँ आप इस फोटो में अच्छे रूप से इस शिवलिंग को देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों महाशिवरात्रि और सावन में काफ़ी भीड़ होती है, और यहाँ का जो करवाल नाला है और ये जो शिव मंदिर है, यह यहाँ मेले के लिए स्थान बने हुए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर दोस्तों मंदिर के और कई समूह बने हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पास एक राम सीता का छोटा सा मंदिर भी है।
मेला ग्राउंड। यहाँ जो महाशिवरात्रि का मेला है वो लगभग हफ्ते का होता है, और जो सावन का मेला होता है वो लगभग 2 से 3 हफ्ते का होता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पहले आए हैं तो कमेंट पर अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।